तो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो बड़े टाइम से लोग ऐसे वाला जो पूरा बातचीत थी ना, वो काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों के पास बीच में जो है ऑलमोस्ट 2-3 महीने 4 महीनों से हम लोग आप लोगों को मॉडिफिकेशन की वीडियो दिखा रहे थे, मेरी जो गाड़ियाँ हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी वर्किंग वाली। अभी मीनवाइल जो है बैक टू बैक वीडियो जो आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही होगी। तो आज की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर कैप्शन पढ़ लिया होगा, तो ऊपर कैप्शन में लिखा हुआ है कि भैया हम जो है अपनी पोलो जीटी जो है वो सेल कर रहे हैं। तो भाई ये बिल्कुल हमारा प्लान था कि हम लोग पोलो जीटी सेल कर रहे थे। अब उसका स्पेसिफिक रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब स्टोरीज़ के थ्रू भी बताया था, एक वीडियो में बताया था कि हमने अपनी i20 तो ऑलरेडी बेच थी। उसका रीज़न ये था कि गाड़ी वो नहीं चल रही थी। अब कमाल की बात ये हुई है कि मैंने इस पोलो जीटी को ऑलमोस्ट 6 महीने ढूंढा, 6 महीने ढूंढने के बाद मैंने इसको 6 महीने चलाया है, और उसके बाद मेरा मन ऐसा हुआ कि यार अब जो है एक गाड़ी और अपग्रेड करते हैं, और फिर जो है मतलब एक गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए एक गाड़ी निकालनी पड़ती है, क्योंकि भाई पार्किंग का थोड़ा सा इशू रहता है। तो उसमें हमने सोचा कि यार पोलो जीटी निकाल देते हैं, लेकिन भाई लकली जो है हमारा प्यार जो है गाड़ी के लिए फिर वापसी आ गया। अब हमने सोचा कि भैया इसको तो रखेंगे ही, और अगर दूसरी गाड़ी लेने का भी प्लान होगा तो उसको भी जो है इसके साथ ही लेके आएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक तो यही प्लान बन रहा है, क्योंकि आकृति और मैंने यही प्लान किया। अब गाड़ियाँ जो है मेरी आज थोड़ी और जगह खड़ी हुई है, यहाँ पर पोलो खड़ी है, यहाँ पर थार खड़ी है, वहाँ पर एक्सूवी खड़ी हुई है। तो अभी करंट हमारी जो कलेक्शन है वो यही 3 गाड़ियों की कलेक्शन जो है वो करंटली मेरे पास अभी है। अब आप लोगों ने सेलिंग वाली चीज़ तो पढ़ ली पोलो की, अभी हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ के और भी जाएंगे। अभी इसमें मैंने 2 चीज़ें हैं जो चीज़ें मैंने हटवाई है पोलो के अंदर। आप लोगों को पता होगा मैंने इस गाड़ी में स्टेज 1 रीमैप कराया था, ठीक है। तो मैंने वो स्टेज 1 रीमैप जो है वो वापसी सब कुछ नॉर्मल में कर दिया है, मैप जो है मैंने इससे हटा दिया है। क्यों हटाया वो वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से और समझा पाऊंगा, आई गेस आप लोगों को समझ भी आएगी वो चीज़। और दूसरी चीज़ जो इस गाड़ी में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट था वो भी मैं जो हूँ हटा चुका हूँ। अब इसमें केवल पीछे की रियर ड्यूल टिप जो है वो रह गई है, बाकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल हम लोगों ने स्टॉक कर दी है। और क्यों करी है वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बताएंगे। और बाकी जब मैंने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम में कि यार मैं अपनी पोलो बेच रहा हूँ, इतने सारे बंदों का मैसेज आया भाई, दबा के रिस्पांस आया कि हाँ भाई ये है। और मैंने उस टाइम पे गाड़ी के पैसे मांगे थे करीबन 11 लाख रुपये। तो कई सारे लोग बोल रहे थे भैया महंगा मांग रहे हो, कई सारे कहते ऐसा है वैसा है, तो भाई बहुत सारे लोगों का था, और ऑलमोस्ट जो है डील क्रैक होने की तरफ भी चली गई थी। लेकिन अगेन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, गाड़ी अपने पास ही है। गाड़ी थोड़ी गंदी है क्योंकि सुबह साफ़ हुई थी, लेकिन ये देख रहे हो फूल पत्ते जो गिर जाते हैं ना थोड़ा ऊपर से, जो हमारा ऊपर वाला पूरा व्यू है इसके से थोड़ा ख़राब हो रहा है। बाकी अभी चलते हैं गोप्रो वाले मोड में, आप लोगों से जुड़ते हैं और गाड़ी चलाते हुए बात करेंगे क्यों हटाया है क्या किया। सबसे पहली चीज़ हमारी, जिन जिन को नहीं पता है भाई, हमने इसमें ड्यूल टिप लगाई थी। ये अब ये स्टॉक जो ओरिजिनल होता है उसी के साथ में हम लोगों ने इसको जो है जोड़ दिया है। गाड़ी कितनी चलाई है भाई वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर में ये गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने 2000 किलोमीटर भी गाड़ी चलाई कि नहीं चलाई, मुझे याद नहीं है कितने में मैंने गाड़ी ली थी, लेकिन 18,048 ये गाड़ी जो है चल चुकी है। कोल्ड स्टार्ट मैंने सुबह कर दिया था, तो आप में से अगर कोई बोलेगा भैया कोल्ड स्टार्ट क्यों नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है। सो गोप्रो लगाता हूँ, इससे बातचीत करते हैं आपसे। सो गाइस अब बारी आती है कि आप लोगों से जो है थोड़ी बातचीत की जाए। अब मैंने अभी थोड़ा सा ना चेक किया, तो आप लोगों को मैं कोई गलत चीज़ नहीं बताऊंगा। तो मैंने जब ये गाड़ी खरीदी थी तब ये गाड़ी, मतलब जब मेरी डील हो रही थी भैया से, तो उस टाइम पे ये गाड़ी चली हुई थी करीबन 13,000 कुछ चली हुई थी, आई गेस 13,000 या 14,000 चली हुई थी उस टाइम पे ये। और जिस टाइम पे ये गाड़ी मेरे हाथ में आई तब ये 15,000 चली हुई थी, ठीक है, 15,000 कुछ किलोमीटर चली होगी। तो मोटा मोटा अगर आप लोग देखते हो तो 3,000 जो है मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ 6 महीने के अंदर में, जो कि थोड़ा कम है, लेकिन भाई ये चीज़ आप लोग आगे समझ सकते हो। सामने एक छोटा बच्चा था तो मेरे को थोड़ा सा हॉर्न मारना पड़ा उसकी सेफ्टी के लिए भी, ठीक है। सो अभी मैं अपनी सोसाइटी से जो है बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को ना वैसे एक चीज़ पर्सनल ओपिनियन के उससे बताना चाहूँगा। अब कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि यार एक नॉर्मल पोलो जो MPI इंजन आता है और उसमें पोलो GT में क्या फ़र्क है। भाई जमीन आसमान का, अगेन 1 लीटर टर्बो वाला फील जो है वो तो भाई एनी डे रहेगा ही रहेगा। MPI इंजन में यार वो फील नहीं है, प्लस गाड़ी चलाने में ज़्यादा खास नहीं लगती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। बाकी MPI आपको सस्ती मिल जाती है, सेकेंड हैंड भी MPI आप लोगों को बहुत सस्ती मिल जाती है, लेकिन पोलो GT इस टाइम पे सोना है, अफीम है, तो भाई इसीलिए इस अफीम को जो है हम लोगों ने अभी अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग निकल रहे हैं बाहर।
तो गाइज सबसे जरूरी चीज ये लोग काफी जो है हम लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर आप में से कभी भी कोई भी बाहर निकल रहा है तो प्लीज अपनी सीट बेल्ट जरूर पहनी है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ भाई, आप 18 प्लस है तभी गाड़ी चलाइए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है, ठीक है। मैं भी अब एक पेरेंट बन गया हूँ, अब आगे चलकर जब बड़े होकर अगर ध्रुवी कभी मेरे से गाड़ी मांगेगी तो भाई मैं उसको गाड़ी तभी दूंगा जब वो 18 प्लस हो जाएगी, उसके पास लाइसेंस होगा एंड शी नो हाउ टू ड्राइव द कार परफेक्टली, ठीक है। लाइसेंस तो उसके बाद ही बनेगा, लेकिन आजकल तो भाई लाइसेंस भी जुगाड़ जुगुड़ से लोग बनवा लेते हैं, तो भाई वो चीज तो सही नहीं है। उसके लिए क्या बोले, उसके लिए नो कमेंट्स है, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई हमने गाड़ी को रीमैप कराया, गाड़ी रीमैप करा के हमने गाड़ी अच्छी खासी जो है चला ली, मतलब बहुत ज्यादा चलाने का मौका तो नहीं मिला, जितना चलाने का मौका मिला उतना हमने गाड़ी चलाई। अब गाड़ी में जब मैप डला था, नो डाउट मैप डलने के बाद गाड़ी की जो पावर थी दैट वाज इनसेन। हमने इवन इसका 0-100 भी किया था, आप लोगों को जो है मैंने वीडियो के थ्रू दिखाया भी था। इट वाज ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स, मतलब बहुत बढ़िया इसमें जो है वर्किंग बहुत बढ़िया तरीके से होकर हुई। लेकिन भाई आफ्टर अ लिटिल ऑफ मोर रिसर्च मैंने ये चीज़ रियलाइज करी कि ब्रो इस गाड़ी में, मतलब स्पेशली फॉर दी टॉक कन्वर्टर, अगर आप लोग टॉक कन्वर्टर के अंदर स्टेज 1 या स्टेज 2 रीमैप कराते हैं तो आप लोगों को जो इसका गियर बॉक्स है उसमें जर्क फील होता है, मतलब एवरी टाइम जब आपका गियर शिफ्ट होगा तो आपको वो चीज़ फील होगी। ऑल दो इसके टॉक कन्वर्टर के अंदर नॉर्मल के अंदर भी आप लोगों को फील होता है, लेकिन इतना पता नहीं चलता क्योंकि जो पावर होती है वो कंपनी ने इतनी ट्यून दी हुई है कि आप लोगों को वो चीज़ फील नहीं होगी कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब मैप डल गया था, मैप डलने के बाद में मतलब झटके अच्छे खासे फील हो रहे थे, और लोअर स्पीड में आपको ऐसे 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 करके ना बिल्कुल झटका लगता था। और जिन्होंने अपनी गाड़ी में ऑलरेडी मैप डाल रखा था, मैंने इवन क्रॉस चेक भी किया कि यार ये मैप में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैप भी क्रॉस चेक हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इवन जिनके पास पोलो जीटी थे, जिन भाई के पास 1 लीटर वाली यही अपनी टॉक कन्वर्टर, उनसे मैंने कन्फर्म किया तो उन्होंने भी यही चीज़ कही कि भाई जो डीएसजी वाला गेयर बॉक्स आता था, जो एटम बॉम्ब वाला गेयर बॉक्स होता था, उसके अंदर जो है भाई ये दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो गेयर बॉक्स जो है वो डीएसजी है ब्रो। लेकिन अगेन वो एटम बॉम्ब है, टॉक कन्वर्टर जो है वो आपको जर्क वाली फील देगा ही देगा, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक रीजन था कि क्यों मैंने अपने उससे जो मैप है वो हटवा लिया। और बहुत सारे लोग भाई हम लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसा मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग में भी, तो अगर कोई चीज मैं लगवाता हूं तो अगर मैं उसको हटवाता हूं तो मैं क्यों हटा रहा हूं और कब हटा रहा हूं, वो चीज आप लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली चीज जो कि आप लोगों को क्लियरिटी वाइज समझ आ गई, ठीक है। दूसरी चीज के बारे में अगर आप लोग बात करते हो कि यार मुसाफिर भैया आपने तो एग्जॉस्ट लगाया था, आवाज भी अच्छी खासी आ रही थी, आपने एग्जॉस्ट क्यों हटाया? एग्जॉस्ट के दो स्पेसिफिक रीजन थे। एक तो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, अगर आप पोलो जीटी 1 लीटर वाली जो मतलब टॉक कन्वर्टर वाली है, या फिर इसमें ना रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक में कुछ ज्यादा खास नहीं है, मतलब खास किस मतलब में कह रहा हूँ कि एक तो होता है मैनुअल में कि आप खेचा मार रहे हो, गियर नीचे शिफ्ट करते हो तो आप लोगों को फील आती है, लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर वो बिल्कुल भी फील नहीं थी। प्लस थोड़ा सा कह सकते हो कि आज के टाइम पे जो सख्ती है रोडों में, ऑल्दो ऑटोमेटिक के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, एक तो पहली बात यह है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलती नहीं है, ठीक है, ये बहुत क्लैरिटी है क्योंकि डाउन पाइप वाउन पाइप आप सब कुछ कराओगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलती है। कंपैरेटिवली अगर आप डीएसजी वाले गियर बॉक्सेस देखोगे उसमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आवाज़ निकल जाती है, लेकिन इसमें आवाज़ें नहीं निकलती। तो फॉर ए क्लैरिटी ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, और आई गेस आप लोगों को आइडिया वाइज ये चीज़ समझ भी आ जाएगी कि हाँ भाई ये हम लोगों ने इसलिए ये वर्किंग जो है ऐसा किया। अब जब हम लोगों ने पूरा सिस्टम लगवाया था, इट वाज अ फुल प्लग इन प्ले, कोई भी तरीके की वेल्डिंग वेल्डिंग नहीं था, सब कुछ नटवट वाला सीन ही था, सॉर्टेड था। और ये जब मैंने फील किया तो मैंने उसके बाद इस चीज़ को सोचा कि नहीं यार, ये चीज़ लगा के अगर मैं परेशान हो रहा हूँ तो वो चीज़ नहीं लगानी चाहिए। और कई सारे लोगों का ना एक क्वेश्चन और आता है कि मेरे से बोलते भी है कि यार मुसाफिर भैया आप अपनी गाड़ी रैप क्यों नहीं कराते हो, और लोग तो कराते हैं रैप, ये कराते हैं वो कराते हैं। तो भाई देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जो लोग करा रहे हो गलत कर रहे हैं, लेकिन हाँ भाई अगर आप लोग देखोगे, अब मेरी ना थोड़ी रोज की ड्राइविंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स की है, मैं 100 किलोमीटर के अंदर अंदर या 100 किलोमीटर तक गाड़ी चला लेता हूँ रोज की, तो मेरा आना जाना भी ऐसे एरियाज में रहता है जो थोड़ा सा एरिया ऐसा है जहाँ पर आपको कॉप्स मिल सकते हैं, या फिर मतलब वही है कि आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैं रैप के लिए प्रीफर नहीं करता हूँ। ऑल्दो हमने अपनी टियागो रैप कराई थी और कुछ टाइम बाद हमने उसको हटा दिया था, और हमने जो रैप भी कराया था वो हमने बॉडी कलर में कराया था। अब टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे, अगर आपकी गाड़ी वाइट है तो उसमें आप वाइट वाला रैप करा रहे हो कुछ करा रहे हो तो वो स्टिल दैट कैन वर्क,
लाल गाड़ी है लाल गाड़ी में लाल रैप करा लो, येलो गाड़ी येलो गाड़ी में येलो रैप करा लो, लेकिन अलग कलर का कराओगे तो आप लोगों को अगेन चलान वाली और हमेशा आप डर के जो है गाड़ी से चलोगे। ठीक है भाई, तो ये दो स्पेसिफिक चीज़ थी जो मैंने कमेंट में लिखी थी, वो मैंने आप लोगों को जो है क्लियरली बता दी। बाकी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कैसा है क्या है भैया व्लॉग जो है वो सारे मॉडिफिकेशन के आ रहे, तो भाई कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन अगेन भाई कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि यार थोड़ा सा फ्लो में आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन देना जरूर, क्योंकि आज जो हमने जब इनिशियल यूट्यूब स्टार्ट किया था तब हम लोग गाड़ी के फर्स्ट इंप्रेशन देते थे, देन वी स्विच टू मॉडिफिकेशन एंड नाउ वी आर टोटली डेडिकेटेड टू मॉडिफिकेशन। हम लोग आप लोगों को वही जो OEM वाला हो गया आफ्टर मार्केट वाला हो गया वो एसेसरीज से रिलेटेड सारी सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को अवेलेबल कराते हैं। हर किसी का एक वर्किंग होती है भाई, तो हमारी वर्किंग जो है वो इस तरफ की है। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी वाइज जो है आप लोगों को ये चीज़ें पता चल चुकी होगी। बाकी अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ इस पोलो के बारे में कि मेरा ये 6 महीने का एक्सपीरियंस इस पोलो के साथ कैसा रहा, एंड यू विल अमेज्ड जब मैं आप लोगों को सब चीजें बताऊंगा। अब मैंने ना इस कैमरे को थोड़ा सा साइड में लगाया है, तो अब हमारा जो वार्तालाप है वो कुछ ऐसा होने वाला है। सो गाइज, मैंने इस गाड़ी को दिसंबर में परचेज किया था, अभी इधर थोड़ी सी मिट्टी लगी है तो उसको मैं साफ कर रहा था भाई। तो मेरे को ना पर्सनली थोड़ा सा ये वो है कि मेरे को गाड़ी बिल्कुल साफ चाहिए होती है, तो मैंने इसको 6 महीने पहले खरीदा था। ठीक है, आई गेस 6 महीने पहले ही खरीदा था, मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने हाँ मतलब 5 महीने 6 महीने नहीं कहूँगा, 5 महीने हो गए गाड़ी को। ठीक है, 6 महीने नहीं, 5 महीने हो गए गाड़ी को लिए हुए। ठीक है, तो 5 महीने हमने पहले इस गाड़ी को ख़रीदा था, और ये गाड़ी झारखंड नंबर थी, हमने इसको दिल्ली नंबर कराया था, और वो भी एक बड़ा अमेजिंग सा प्रोसेस था। जैसे BS6 वाली गाड़ियों को दिल्ली के पेट्रोल गाड़ी वाली जो है वो आप रजिस्टर करा सकते हो, उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था, और उनको भी जो है एक सोल्यूशन मिला था कि हाँ यार अगर आप चाहो तो आप ये काम भी जो है करा सकते हो। अच्छा खासा पैसा भी लगाया था, रोड टैक्स भी भरा था 6% करीब कुछ। ठीक है भाई, जब ये गाड़ी मेरे हाथों में आई थी, नो डाउट आज भी रात को अगर मेरे को द्वारका में चिल करना है, दोस्तों के साथ घूमना है और कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पर मेरे को ब्रेक वरेक ज़्यादा नहीं लेना, सीधी रोड में जाना है, तो वहाँ पर मैं आज भी प्रेफर करता हूँ कि मैं पोलो लेके चले जाऊँ। उसका रीज़न क्या, एक तो छोटी है और इसमें जो ऑडियो रखा वो इतना बढ़िया है कि वो रात को बड़ा सूदिंग वाला फील जो है वो मेरे को दे देता है। ठीक है, बाकी इस गाड़ी में अगर आप लोग परफॉर्मेंस के बारे में बात करोगे तो भाई ये कैसे खींचा मारते हैं मैं आपको दिखाऊँ। अभी इस रोड पर तो आई गेस हम नहीं खींच पाएंगे, लेकिन मैं अभी आगे वाली रोड में आपको दिखाऊँगा। मतलब गाइस मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो जो फीलिंग है ना, मतलब एकदम से आपने बस, अभी आप देखना आप लोगों को मजा आ जाएगा। मतलब आपको मेरे फेस एक्सप्रेशन तो क्या ही इधर इतने होंगे, लेकिन अब आप लोग चेकआउट करना। ठीक है, ये गाड़ी कैसे आपको कैसे पीछे लेके जाएगी मेरे को देखना। देखो भाई मैं पूरा पीछे आ जाता हूँ इसमें, और इतने से इसमें ही हम लोगों ने 0-90 मार दिया भाई। तो आप लोग खुद इस चीज के बारे में जो है सोच सकते हो, और यार चीज में दम है तो चल रही है भाई, ये चीज होती है ना भाई, ये ना बड़ा मन से भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई यार आपकी गाड़ी जो है ना वो आपका साथ दे रही है, लंबे लंबे खींचे मार रही है, तो बढ़िया लगता है भाई ये चीज का। और एक मेजर चीज, इस गाड़ी का जो AC है दैट इज वेरी इफेक्टिव, इस गाड़ी का जो इंटीरियर है, इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। मतलब जो भी बंदा इस गाड़ी के आसपास से निकलता है, आगे से देख रहा है पीछे से देख रहा है, वो एक बार रुक के ज़रूर इस गाड़ी को जो है निहारता है और कहता है कि हाँ भाई इस गाड़ी में दम है। एंड अगेन जर्मन गाड़ी के अंदर दम है, और प्लस जो मॉडिफिकेशन हमने इस गाड़ी में करवाई थी, ठीक है अच्छी खासी हमने मॉडिफिकेशन कराई थी, ऑल्दो जिन्होंने मेरे को गाड़ी दी थी उन्होंने भी पहले से इसमें करवा रखा था, लेकिन इट्स अ मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैंने कैसे सोचा कि यार मैं इस गाड़ी को बेच दूंगा। मतलब आकृति को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, शी लाइक दिस कार वेरी मच, और उसका यही कहना है कि यार ये गाड़ी ऐसी है जिसको मैं कहीं पर भी लेके जा सकती हूँ। और भाई मतलब अगर जब ये कोल्ड स्टार्ट में अगर इसको आप ओपन करोगे और आप गियर डालोगे ना, तो भाई ये घोड़े की तरह आगे खींचती है गाड़ी, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई खींचा मार रही है गाड़ी ना। तो ये चीज़ तो है भाई इस गाड़ी के साथ, AC के साथ कोई दबना नहीं कुछ नहीं। और प्लस अब ये एक बड़ा क्राइटेरिया वाली चीज़ है, अगर आप में से कोई सेकंड हैंड भी पोलो लेने का सोच रहा है, नहीं तो नहीं ले पाओगे, तो भाई पोलो की जो एवरेज है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 13-15 तक की भी एवरेज देती है अगर आप तमीज़ से चलाओगे। अगर आप खींचा मार के चलाओगे तो ये 8-9-10 की एवरेज देगी, तमीज़ से चलाओगे तो 15-16 देती है, और हाईवे में लोगों ने से 22 की एवरेज भी निकाली है। ठीक है, तो भाई अपना प्यार जो पोलो के लिए है वो बरकरार है, पोलो हम लोग नहीं सेल कर रहे हैं। बाकी हमने एग्जॉस्ट हटा दिया है,
और जो इसकी ट्यून कराई थी वो चीज़ हमने हटा दी है। अगर एक आप मेरा वो लेना चाहोगे ओपिनियन कि हमें एग्जॉस्ट लगाना चाहिए, ये आपका पर्सनल चॉइस है भाई, एग्जॉस्ट लगाना है लगाना, मैंने भी तो लगाया था ना, ये आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आपको इसको रीमैप कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए वो भी आपका एक पर्सनल चॉइस है। ऑटोमेटिक के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जर्क वाली चीज़ जो है अगर आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता और आपको पावर चाहिए, क्योंकि पावर आपके पास बहुत इनसेन आ जाती है, फिर आपको इसको रोड पर बहुत ही संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे से भी पंजे दबाने में उछलती है भाई गाड़ी। आई गेस समझ गए हो। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। कोशिश कर रहे हैं कि वापसी आप लोगों के लिए ऐसे ही अपनी गाड़ी वाले मॉड्स वाले और कुछ अलग चीज लेके आएंगे। बाकी हर गाड़ी की मॉडिफिकेशन की वीडियोस हमारे चैनल में आपको हमेशा मिलेगी। और मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। अगर इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना चाहे लिखिए मुसाफिर 7811, फेसबुक में फॉलो करना चाहे लिखिए मुसाफिर कार्स। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।